वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। और आज का हमारा जो ब्लॉग है वो है साइकिल से मतलब घूमने का। तो आज मैं जाने वाला हूँ घूमने, तो देखते हैं फिर कहाँ पर जाते हैं। और ये साक्षी मतलब सिस्टर है, दोनों सिस्टर छोटी और बड़ी दोनों कह रही थी कि हमको मतलब घुमाने भी ले जाना है, तो फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो आज मेरा वो ही ब्लॉग है, तो मैं आपको बताता हूँ फिर कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या इन्जॉय करते हैं। तो आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम घर ही आ चुके हैं यहाँ पर साइकिल चला के, और ये हमने साइकिल जो है खड़ी कर दी है। और साक्षी से तो थोड़ी बहुत साइकिल मतलब अब चलने लगी है, बट अभी खुशी से नहीं चल रही क्योंकि उसके भी पैर छोटे हैं इसलिए। और तो ये बहुत खुश हो रही है कि इसने साइकिल चला ली है, बट ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कल भी गिर सकती है, परसों भी गिर सकती है। और खुशी बेचारी उसका भी पैर छोटे, वो कह रही मैं उससे छोटी साइकिल लूँगी। तो अब जैसा भी ये देखते, मैं तो कह रहा हूँ फिलहाल उससे कि भाई मतलब इतनी बड़ी ले लेना क्योंकि छोटी लेने इसको मतलब नहीं है, दो साल बाद मतलब इसको फिर लेनी पड़ेगी इसकी वजह से। तो अभी तो फिलहाल हम घर ही आ चुके हैं, और बड़ी मम्मी और मम्मी जी अभी गई हैं मंदिर, तो उन्होंने बोला है कि यहीं पर रहना। तो बस हम तीनों अभी यहीं पर बैठे हैं, अब भी साइकिल चला के आए और भाई पसीना पसीना बहुत हुआ है। और हमारे जैसे आपको छोटा भाई तो पता ही है, वो अभी बरेली गया है कुछ काम से, तो वो तो कुछ दिन बाद ही आएगा। और बड़े भाई भी नहीं है, बस यार अभी तो हम ऐसे ही बोर हो रहे हैं बैठे हैं, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैं शाम को गया था, वो मैं अकेले गया था घूमने। और अभी जो मम्मी जी हैं और पापा जी, क्या मालूम कुछ क्या वृक्षारोपण से कर रहे हैं, मतलब उसमें जो बीन का पेड़ है वो लगा रहे हैं। तो बस वही काम चल रहा है और घूम के तो लग रहा है। आज का जो हमारा ब्लॉग था वो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक के लिए टाटा बाय बाय।